ओम शांति। बीके सपना के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने सीखेंगे दही के कबाब। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को चाहिए 400 ग्राम दही, 200 ग्राम पनीर, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, काजू और आलमंड, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप आपके हिसाब से ले सकते हो, कटे हुए धनिया के पत्ते, ग्रेट किए हुए अदरक, ये 1 इंच का अदरक है जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है, भुना हुआ जीरा उसको मैंने पाउडर बना दिया है, और धनिया का पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, ये है आपका कॉर्नफ्लोर, और ये है ब्रेड क्रम्स, 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स। अभी हम लोग जो बनाएंगे उसके लिए हंकड़ हम लोग को चाहिए होगा। तो हंकड़ कैसे बनाएंगे वो मैं अपना एक वीडियो ऑलरेडी बना के भेजी हूँ, फिर भी मैं आप सबके जानकारी के लिए और एक बार बता देती हूँ। तो जो 400 ग्राम कर्ड मैंने लिया था फ्रेश दही, उसको एक छन्नी में निकाल के 2 घंटे के लिए हम लोग को रेस्ट करने छोड़ देना है, जिससे कि इसका जितना सारा पानी है वो सारा निकल जाए और ये हम लोग का बिल्कुल कर्ड एकदम टाइट बन जाएगा, जिसको कि हम लोग हंकड़ बोलते हैं। तो मलमल कपड़ा के बजाय हम लोग छन्नी का यूज़ कर रहे हैं। इधर कपड़ा तो हर समय अवेलेबल होता नहीं है, तो छन्नी रसोई में फटाफट से मिल जाता है। देखिए 2 घंटा हो गया, इसमें से सारा पानी निकल गया, निकल के हम लोग का हंकड़ पूरी तरह से तैयार हो गया। अभी इसी से हम लोग को दही के कबाब बनाने हैं। दही के कबाब जो होते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसका बाहरी हिस्सा जो है वो एकदम क्रिस्पी लगता है और भीतर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी लगता है। तो हमने हंकड़ ले लिया, उसमें हम लोगों ने अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च आपके स्वाद के हिसाब से, जितना सारा ड्राई फ्रूट्स मैंने रखा था वो सब, और जितना मैंने इंग्रेडिएंट्स जो जो आपको बताया था, धनिया का पाउडर, ये है आपका ब्लैक सॉल्ट, फिर ब्लैक पेपर, सब 1 टीस्पून हम लोग लेंगे। अभी इसमें हम लोग जीरा का पाउडर, फिर धनिया का पाउडर अभी डाल दिए। देखिए ये सबको डाल के हम लोग को इसको अच्छे से मिक्स करना है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पनीर मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम का पनीर, उसको हम लोग को अच्छी तरह से ग्रेट करना है। उससे पहले मैंने इसमें 1 कटोरी जो ब्रेड क्रम लेके रखा था उसको इसमें डाल दिया है। तो ब्रेड क्रम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें बेसन को भून के उसको भी डाल सकते हो, नहीं तो जो सत्तू मिलता है मार्केट में उसको भी डाल सकते हो, वो डाल के भी आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी मैंने पनीर को ग्रेट करना चालू कर दिया है। छोटे वाले जो होल होते हैं उसी में हम लोग को ग्रेट करना है, जिससे कि पनीर एकदम छोटे छोटे होके निकले, जिससे कि हम लोग बाइंडिंग करने में हम लोग को सुविधा होगा। देखिए पनीर 200 ग्राम मैंने ग्रेट करके निकाल लिया। अभी इसको हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिला के अच्छे से इसको स्मैश करना है। पनीर मिला लिया हमने अभी, अभी इसको अच्छे से मैं स्मैश करूँगी। देखिए थोड़ा सा बड़ा बाउल लेने से और ज़्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, हम लोग इसी से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, आप लोग को जितना नमक चाहिए उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हो, और अभी मैं इसको स्मैश करना चालू की। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो आपके पास पहुँचे उसके लिए साइड में एक ठो बेल आइकन है, उसमें आप लोग ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप लोग को नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिल सके। अभी मेरा दही कबाब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने सारा मिला के अच्छे से स्मैश करा था वो बिल्कुल होके रेडी हो गया है। अभी हम लोग को इसमें से लोई काटना है अपने हिसाब से। देखिए मैं अभी इसमें लोई काट रही हूँ, आप राउंड शेप बना सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल शेप, या तो फिर ओवल शेप, जो शेप आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसका आकार दे सकते हो।
मैं यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ। राउंड शेप का कबाब देखिए बना के मैं इसको कॉर्नफ्लोर जो मैंने लिया था उसमें थोड़ा सा डिप करके इसको रखना है। इन द मीन टाइम हमको क्या करना है, इसको हम लोग फ्राई करेंगे। आप इसको सैलो फ्राई भी कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो सैलो फ्राई भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। मैं फ्राई ही करूँगी लेकिन ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। तो उसके लिए मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा के उसमें रिफाइन का जो ऑयल है डाल के उसको गर्म करने के लिए छोड़ दी थी। तो ये हम लोग का ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और अभी हम इसको धीमी धीमी तो नहीं, धीमी से थोड़ा सा ज़्यादा आंच में इसको छोड़ देंगे। और जो कि हम लोग का ऑयल गर्म हो गया है, अभी एक एक करके सारे दही कबाब को हम लोग इसमें डालना चालू कर देंगे। देखिए इस तरह से आप लोग करिएगा। और इसको हम लोग को तब तक पकाना है जब तक कि इसका एक साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और गोल्डन ब्राउन होने से क्या होता है, ये क्रिस्पी होगा। इसमें ब्रेड क्रम्ब डला हुआ है, ऊपर से कॉर्नफ्लोर का एक ठो कोटिंग है, तो ये ऊपर का हिस्सा जो है एकदम क्रिस्पी होगा। बीच बीच में हम लोग को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 5 मिनट्स के बाद थोड़ा सा पलट के देखिएगा कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं देखिए मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ, 5 से 7 मिनट के बाद ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और ये क्रिस्पी भी लग रहा है ऊपर से देखने में। तो जो कि हम लोग का एक हो गया है तो बाकी सारे भी हो गए होंगे। तो मैं धीरे धीरे सबको पलट दी और देखिए ये दूसरा साइड अभी हम लोग का चालू हो गया है, अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दी मैं। ये 5 से 10 मिनट लगेंगे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसको खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी जो कि मानसून चल रहा है तो मानसून में घर में आप इसको बना के खुद खाइए, सबको खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। ये अंदर का हिस्सा एकदम क्रीमी क्रीमी होता है, सॉफ्ट रहता है, बाहर का हिस्सा पूरा क्रिस्पी रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने के लिए। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा कि कैसे बना है। अभी मैं इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल दे रही हूँ जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आराम से निकल जाए, तो हम लोग को ज़्यादा ऑयली नहीं लगे क्योंकि आजकल सबको ही हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसको निकाल देना है। देखिए ये मैंने इसको निकाल दिया है टिश्यू पेपर में, ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख कर लेगा। तो बाकी हम लोग का जो मैंने कबाब का लोई बना के रखा था वो सबको भी हम लोग इसी तरह से फ्राई करेंगे। अलट पलट करके देख लेंगे गोल्डन ब्राउन हो रहा है कि नहीं। और देखिए अभी मैंने इसको प्लेटिंग कर दिया है, ये देखने में ही इतना अच्छा है कि देख के मुंह में पानी आ जा रहा है। और आप लोग भी देखिए और इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।